ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं मरकज़ी जामिया मस्जिद नूरी बामकाम पिंड जामन शरीफ बरलबे इंडिया बॉर्डर नज़द बी आर बी नहर बेदियाँ रोड ज़िला लाहौर में मौजूद हूँ। आज यहाँ पे शहनशाह खिताबत ख़तीबे अहले सुन्नत शाह सवारी खिताबत गाज़ी मिल्लत नबाज़े कौम सिफ़ते दरवेश वली कामर हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीर हाफ़िज़ करामत अली कादरी साहब ख़ताब करने वाले हैं। अरसा 25-30 साल से यहाँ वो ख़ताब कर रहे हैं और ख़ास बात कारी करामत अली कादरी साहब का तल्लक जो है इसी गांव से है। बड़ा खूबसूरत तरीके से वो बयान करते हैं। आज जो उनको मौजू दिया गया है वो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उस पर वो ख़ताब फरमाएंगे। आपको हमारी ये रिकॉर्ड शुदा मूवी पसंद आए, आप अपने इलाका में किसी जगह रिकॉर्डिंग करवाना चाहें तो आप हमसे राबता कर सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ निसार अवान, मास्टर रिकॉर्डिंग कंपनी लाहौर पाकिस्तान। फ़ोन नंबर नोट कर लें 0300-4852-347। शुक्रिया। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद दुरूद हुजूर नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम नबी मुहतरम फ़ख्रे आदम बनी आदम ताजदारे अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लमा दी ज़ाते बेकस पना दे अंदर लखू का मरतबा दुरूद व सलाम दा हदिया पेश करने तो बाद तकरीब सईद मैं इरादा कीता है आप अहबाब दे सामने अंबियाए किराम दी जमात विचों एक ऐसी हस्ती दा जिक्र छेड़ा, एक ऐसे नबी ते रसूल दा तज़करा छेड़ा कि जिन्हानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुसन दा ताजदार बना के भेजिया, तुहाडे ते मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने कुछ रवायात इन्हें कि यहूदियां आके सरकार नू सवाल कीता, कुछ रवायात इन्हें कि यहूदियां ने मुशरकी ने मक्का नू किया कि तुसी सवाल करो, या यहूदियां सवाल कीता या मुशरकीन सवाल कीता, ते सवाल एक ही सी कि ए दसो औलादे यकूब अलैहिस्सलाम मुल्के शाम विचों मिस्र विच किवें गई, ए किस्सा सुनाओ। जदों उन्हां सवाल कीता तो अल्लाह करीम फरमाया जिबरील जी रब्बे जलील फरमाया असा इना लोगों नू सोना किस्सा आप सुनाने आ, जाओ सूरा यूसुफ शरीफ ले जाओ। तो आज मैं इरादा कीता है आप अहबाब दे सामने मैं उस हस्ती दा जिक्र छेड़ा जिन्हें मसाइबो अलामात च जिंदगी गुजारी, हुसन दे बादशाह जनाबे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दा तज़करा। बड़े दिनों तो दोस्तों की भी तमन्ना सी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वाकया छेड़िया जाए, तो जिहड़ी मैं आयते करीमा कुराने करीम विचों पढ़ी है जदों उन्हां यहूदियां आके सवाल किया कि किवें औलादे यकूब अलैहिस्सलाम गई मिस्र विच शाम विचों,
तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैका हादल कुरआन व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन। वद्दुहा दे चेहरे वाले आ, हामीम दे कुंडला वाले आ, माजाग दे नैना वाले आ, महबूबा असी ये सोना किस्सा आप सुनाने आ, ये प्यारा किस्सा सोना किस्सा इनू अहसन अल कसस फरमाया गया। हुण किस्सा अल्लाह करीम ने किंज सुनाया, फरमाया महबूब ये किस्सा असी आप सुनाने आ, व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिन अल ग़ाफ़िलीन। फरमाया इस तो पहले तुहाडी तवज्जो नहीं सी, कुछ लोग गाफिल दा तर्जमा करदे आ, इंज माना करदे कि जे सरकार नूं इल्मे गैब हुंदा ते अल्लाह ए क्यों फरमांदा। लेकिन लफ्ज़े गाफिल तो जो मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत कुश्ते इश्के रिसालत अलहाज मौलाना अशा अहमद रज़ा खां फाजले बरेली रहमतुल्लाह ताला लेने जो तर्जमा किया है, आपने गाफिल का तर्जमा किया है कि जेड़ा कम गफलत च हो जाए जिते ते तवज्जो ना होवे, पता भी होवे खबर होवे लेकिन तवज्जो नहीं। जिस तरह एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं कि उन्हें पता नहीं, उन्हें पता होता है, पता होने के बावजूद भी अगर ओदी तवज्जो इधर नहीं तो उन्हें की किया जाएगा जी ये गाफल है, ये तो गफलत करता है, पता नहीं, पता है वे लेकिन तवज्जो नहीं। फरमाया वइन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन। फरमाया महबूब असी तुहानू सोहना किस्सा आप सुनाने आ। हुण आका करीम अली सलातु सलाम दे गुलामो जरा तवज्जो करना, मैं नस्ले खलील विच्चों औलादे खलील विच्चों उस नबी ते रसूल दा जिक्र छेड़न लगा जिन्हां नू अल्लाह करीम ने नौ हिस्से हुसन अता फरमाया। किन्ने हिस्से? नौ हिस्से हुसन अता फरमाया, दस हिस्से हुसन दे कीते, नौ हिस्से कल्ले जनाबे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अल्लाह करीम ने अता फरमाए। आओ जरा तवज्जो करना, जदों अल्लाह दे प्यारे खलील ने आके दुनिया ते वेख्या, कुछ लोग सितारियां दी पूजा करदे ने, कुछ चन्न दी पूजा करदे ने, कुछ सूरज दी पूजा करदे ने, फलम मा जन्ना अलैहि लैल रुआ कौकब कौल हादा रब्बी। जदों आपने वेख्या कोई सितारियां दी पूजा करदा, कोई शम्स दी पूजा करदा, कोई कमर दी पूजा करदा, आ कोई पत्थरां नू पूजदा, फरमाया ना ना ओ सितारियां नू पूजन वाले ओ सितारे रब नहीं, चन्न नू पूजन वाले ओ चन्न रब नहीं, सूरज नू पूजन वाले ओ सूरज रब नहीं। भूख ने अर्ध कीता, मौला ए कोई सितारियां नू पूजदा, कोई चन्न नू पूजदा, कोई सूरज नू पूजदा, कोई पत्थरां नू पूजदा। फरमाया ए मेरे खलील इन्हां दा डट के मुकाबला करो, मैं तुहानू शान ते इज्जत देंगा, तुहाड़ी नस्ल विचों तुहाड़ी औलाद विचों एक ऐसी हस्ती पैदा करांगा जिनू सूरज ते चन्न ते तारे सजदा करनगे।
जिन्हों सूरज चन्न ते तारे सजदा करनगे। एक हस्ती फिर ऐसी पैदा करांगा जिहड़ा जग दा सरदार बन के आवेगा, जिन्हों पत्थर भी सलामियां देंगे, जिदे इशारियां ते चन्न भी दो टोटे होके जुड़ेगा, जिदे इशारियां ते सूरज भी डुबिया वापस मुड़ेगा। हुण मेरे दोस्त उस नस्ले खलील विचों हुण उस हस्ती दे पैदा होण दा वेला नेड़े नेड़े आ गया। आओ जरा तवज्जो करना, हजरत सैयदना यकूब अलैह सलाम हजरत इसहाक अलैह सलाम दे पुत्र ने, हजरत इसहाक अलैह सलाम हजरत इब्राहिम अलैह सलाम दे बेटे ने। जदों हजरत यकूब अलैह सलाम ने अपने सके मामे लयान बिन तनवील दे घर अपनी शादी कीती, की कीता शादी कीती अपने सके मामू दे घर, ते बीवी दा नां लिया है। हुण बीवी दा नां लिया, बीवी निकाह विच आ गई। अल्लाह करीम ने उस बीवी दे बतन विचों अपने प्यारे नबी हजरत यकूब अलैह सलाम नू छे पुत्र अता फरमाए, छे बेटे अता फरमाए। हुण आप दी छोटी बेटी मामू दी छोटी बेटी नल भी निकाह कर लिया, क्योंकि पहलियां शरीयतां विच जायज सी एक घर दियां दो या तीन बेटियां या भैणां सकियां नल निकाह कर लेना। शरीयत यकूबी विच ए मौजूद सी, सके मामे दियां दो बेटियां नल निकाह फरमा लिया। एक दा नां लिया बिनते लिया ने, दूसरी दा नां रहील बिनते लिया ने, रहील बिनते लिया ने। जरा तवज्जो नाल गल सुनना, मैं तुहानू हजरत यूसुफ अलैह सलाम दा वाकया बड़ी तफसील नाल सुनाण दी कोशिश करांगा। मेरे दोस्तों, हजरत यकूब अलैह सलाम ने जदों मामे दियां दोवां बेटियां नाल निकाह फरमा लिया, ते उहनां दे कोल दो लौंडियां सन। दोवें लौंडियां दोवां भैणां ने हजरत यकूब अलैह सलाम नूं लिया के ते हिबा कर दित्तियां। की कर दित्ता? हिबा कर दित्तियां, उहनां दी मलकियत च दे दित्तियां। उहनां नाल भी आप ने निकाह फरमा लिया। हुण छे पुत्र आप दे लिया बिनते लियान विचों ते चार बेटे उहनां दोवां लौंडियां विचों पैदा होए। दस पुत्र जदों पैदा हो गए, इधर हजरत रहील नाल आप दा निकाह होया। जनाबे यकूब अलैह सलाम फरमांदे ने, निकाह तू बाद जदों मेरे बेटे यूसुफ अलैह सलाम दी विलादत दा वेला नेड़े नेड़े आया, मास्टर निसार साहब जनाबे यकूब अलैह सलाम फरमांदे ने, मैं अपने हुजरे विच बैठ के अल्लाह अल्लाह पिया करना वा, ओदी इबादत पिया करना वा। उत्तों जिबरीले अमीन आ गए, जिबरीले अमीन ने आके सलाम कीता, सलाम पेश कीता, ते नाले आप कहंदे ने, ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी यकूब अलैह सलाम तुहानू मुबारक होवे, तुहानू मुबारक होवे। अल्लाह करीम ने तुहानू चन्न नालों सूरज नालों सोहना पुत्र अता फरमाया वे, तुहानू अल्लाह करीम ने ऐसा बेटा अता फरमाया है, तुहानू मुबारक होवे, मुबारक होवे। जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तो, हजरत यकूब अलैह सलाम फरमांदे ने, जदों मैं उठ के घर गया ते आप नू कपड़े विच लपेट के दाइया मेरे सामने लै के आई है। फरमांदे ने, जदों मैं कपड़ा चुकया मैनू इंज लगा जिमें बदलां विचों सूरज दियां किरणां निकलदियां ने, मैनू इंज लगा जिमें बदलां विचों सूरज निकलदा है। आप फरमांदे ने, जदों मैं पुत्र दा चेहरा वेखिया मैं पहचानी वेखी, बड़ी तबीयत खुश होई, बड़ा दिल राजी होया। आपने ओदा शुक्रिया अदा करन वास्ते 40 बाकरा गावां, मिसाल दे तौर ते मैं बाकरा गावां तो पंजाबी
विच सादे लफ्जां विच समझा दें, आपने 40 कंज वैड़ां लईयां, उन्हां नूं उहदी राह विच ज़िबा कीता और पूरे इलाके विच मनादी करवाई, लोको आ जाओ तुहाडी दावत मेरे घर जे, क्योंकि अल्लाह ने मैनू बड़ा सोहना पुत्र अता फरमाया है, अल्लाह ने मैनू बड़ा सोहना बेटा अता फरमाया है। मेरे दोस्तो, तफसीर मालम तंजील के अंदर आंदा है, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को पुछया गया, प्यारे नबी तुहाडे 10 पुत्र पहला भी मौजूद ने, एदा वखरा ही चा कर दे। फरमाया, लोको मैं की दसा, मैं नबुवत दी अख नाल वेख रिया वा, पुत्र ते 10 पहला भी मौजूद ने, पर जिड़िया शाना वाला ए आया है, एडिया शाना वाला होर कोई नहीं, जिड़िया शाना वाला ए आया है, एडिया शाना वाला होर कोई नहीं। आपने दावत की, फिर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल बचपन तो प्यार शुरू हो गया। केड़ी केड़ी गल करा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 2 साल दे होए ते वालदा अम्मा रहील ने आप दा दुध छुड़ाया, तो अल्लाह करीम ने वालदा नू हजरत बिन्यामीन दी दौलत नाल नवाजिया। हजरत बिन्यामीन पैदा होए, मालक दी कुदरत, अम्मा रहील जन्म देने वाली वालदा दा इंतकाल हो गया। वालदा दारे फानी नू छड़ के दारे बका दी तरफ चले गई। हुण हजरत बिन्यामीन भी छोटे ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी छोटे ने। आओ मेरे दोस्तों, अगर तुसी हिजर दे वेड़े विच बैठे ते मैं तुहानू गम दे इस वेड़े दा ऐसा सफ़र करावांगा अल्लाह रसूल दी मेहरबानी नाल, और तुसी बड़े महसूस होवोगे। ये ओ दास्तान है जिस दास्तान नू अल्लाह करीम ने अहसनुल कसस सोहना किस्सा फरमाए, सोहना किस्सा फरमाए। जरा तवज्जो करना, हुण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते हजरत बिन्यामीन, क्योंकि आपकी खाला हजरत लिया सकी खाला है, उन्होंने उन्होंने परवरिश शुरू कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालदे गिरामी सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम, आप हर वेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल प्यार करना, कदी रुखसारा नू चुमना, कदी सीने नाल लगाना। इधर बिन्यामीन भी छोटे, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे मुतल्लक तफसीरां विच इस तरह आया हुंदा है कि आप जिहड़ा इबादत ते टाइम देना उहदे विचों ज़्यादा वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते सरफ कर दे, ते आप ज़्यादा वक्त इधर लगांदे, इबादत वास्ते टाइम थोड़ा बचदा। आप दी हमशीरा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दी वड्डी बेटी जिन्हां दा नाम एलिया बिनते इसहाक, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दी बेटी एलिया आ गईयां, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दी वड्डी अमशीरा आके कहंदियां ने, वीरा अल्लाह करीम ने तेनू 12 पुत्र अता फरमाए ने, मेरा बेटा कोई नहीं, मैं तमन्ना लैके आईयां। फरमाया, भैन केड़ी तमन्ना लैके आई है? अर्ज कीता, वीरा इन्हां 12 विचों मेरा भतीजा यूसुफ मैनू दे दे, यूसुफ मैनू दे दे। हुण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू मलक साहब फुफी लै गई, फुफी दे घर नाजा नाल पलदे रहे, फुफी प्रीत नाल मेरे दोस्तों पालदी रही, फुफी प्रेम नाल पालदी रही, प्यार नाल पालदी रही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इधरों कुछ वेला गुजरिया, वेला कुछ गुजरिया, जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम दा दर्द फिराक हिजर वादा गया, वादा गया, हिजर वादा गया। एक दिन भैन नू कहन लगे, मेरी भैन मेरा दिल इजाजत नहीं देंदा, मेरा पुत्र मैनू वापस दे दे।
यारा होर ने उना यारा विचों जड़ा तेरा दिल करे लै जा ते एलिया विचों के नबी दी भैण है नबी दी बेटी है नबी दी पोती है ओदी भी अख लगी हुई सी आखिया वीरा पुत्र ते सारे तेरे ने पर मैनू भी प्यारा यही लगदा है मैनू भी प्यारा यही लगता है। हुण बहस ते तकरार शुरू हो गया मेरे दोस्तों हत्ता के इथों तक गल चली गई। भैन कहन लगी अच्छा वीर जे तू नहीं मुड़दा मैं एक हफ्ते तू बाद तेरा पुत्र तेरे हवाले करांगी। आओ हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी ओ कहानी। हजरत मौला कायनात को लोग किसे पुछया कि यूसुफ अलैहि सलाम का नाम यूसुफ क्यों रखा गया है? आप फरमाते ने असफ असफ का माना अरबी विच गामे असीफ का माना गुलाम है। तो यूसुफ अलैहि सलाम नूं ये दोवें इम्तिहान आए ने गुलामी विच भी रहे ने गम विच भी रहे ने। जरा तवज्जो करना मैं जिहड़ी दास्तान छेड़ रहा वा जरा तवज्जो करना। भैण हफ्ते बाद लैके आई बेटे नूं जदों लैके आई तो जिहड़ा हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम का कमरबंद जिहड़ा आप नूं मिलिया सी जन्नती लिबास विच जदों आप नमरूद की चिखा विच गए सन वह हजरत इसहाक अलैहि सलाम नूं अगों अता फरमा दिता विरासत विच ते वह विरसे विच हजरत इसहाक अलैहि सलाम की तरफों आप की वड्डी बेटी हजरत एलिया नूं मिल गया। जदों मिल गया तो आप आउण लगे ना तो नबी की बेटी राजा नूं ते जानदी सी कम हिकमत तो लै लिया बहाना बन जाए पुत्र रह भी जाए तो गल भी मुक जाए। आपने कमर बंद हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कंड नाल बन दिता। सुन दे गल हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कंड नाल आपने ओ कमर बंद जिहड़ा सी ओ बन दिता कमर नाल वापस आ गए। जदों वापस लै आईया फिर रौला पा दिता मेरा कमर बंद कौन लै गया है मेरा कमरबंद चोरी हो गया। आपने इधरों उधरों पता करना शुरू किया मेरे दोस्तों हजरत यकूब अलैहि सलाम फरमाते ने भैन मेरा पुत्र भी तेरे घर आए एदी भी तलाशी लै ले एदी भी तलाशी लै ले। हुण फुफी दा जवाब सुनो फुफी कहंदी है वे वीरा मेरा भतीजा बड़ा मासूम है ना बालग इना कम नहीं कर सकता आखिया भैन एदी भी तलाशी लै लै आखे चलो लै लैनी आ। जदों तलाशी ली तो कमरबंद हथी बनया सी बनया क्यों सी क्योंकि आशक सन उन्हों दियाँ ते हर वेले तमन्ना ए सी मैं गल उन्हों दी कर दी रवा। मियाँ साहब आरफे खड़ी दी रूह तड़पी खड़ी दा बेताज बादशाह बोलिया ते आप फरमांदे ने जो कोई किसे दा जो कोई किसे दा आशक होवे ते गल उसे दी करदा लख लख मकर बहाने कर के फिर ओ दे मरने मरदा। क्यों मकर ते बहाना कीता? इस वास्ते के शरीयत विच ऐसी जे किसी दे घरों कोई चीज बरामद हो जाए चोरी पकड़ी जाए फिर जिहड़ा चोर होवे ओ दो साल उन्हां घर वालियां दी गुलामी करे उन्हां दी खिदमत च रहे। ते फुफी ने चोर बनाउण वास्ते काम नहीं सी कीता करते बहाना करन दी वजह ए सी मैं अपने पुत्र दी दीद करदी रवां। हुण बहाना बना लिया कमरबंद वेखिया वेखिया क्यों क्योंकि फुफी नाजा नाल पालदी रही सी। जदों दूर आए दूरी आई फिराक आया हिजर आया ते फुफी दा दिल की आंदा है सोना मेरे कोल होवे मेरे घर आवे मैं बख्तां ते नाज करां
ए हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी फुफी दे मंजर नू अगर तुहाडा ज़ौक होवे मैं आरफां दे सुल्तान हजरत सुल्तान बाहू दी ज़बान च पेश करां। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो इस मकाम ते गए कमाल कर छड़िया कि फुफी किवें तसव्वुर तखय्युल पक्का करके ते बहाने बना रही है। फुफी कह रही है मैं को जी मेरा दिल बर सोना मैं की करियो सनू भावा हो बेड़े मेरे वड़दा नहीं पई लख वसीले पंगावा हो ना मैं सोनी ना गुण पल्ले मैं की कर यार मनावा हुई यो फिकर हमेशा रैसी कामिल बाहू किधरे रोती आई ना मर जावा मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करना हुण जदों कमर बंद विखाया ते आखिया वीरा तेरी शरीयत विच वे दो साल तेनू देने ही पैने ने दो साल तेनू देने ही पैने ने फरमाया भैन लै जा अखां चुका लईयां फरमाया भैन लै जा भैन लै गई मालक दी कुदरत। मेरे दोस्तों थोड़े दिन गुजरे ते फुफी दा विसाल हो गया फुफी दारे फानी नू छड़ के दारे बाकी दी तरफ चले गई। मेरे दोस्तों हजरत यूसुफ अलैह सलाम हजरत यकूब अलैह सलाम दी बारगाह विच फिर वापस आ गए आके अब्बा जी दी खिदमत विच रहन लग पे। मेरे दोस्तों आओ मैं केड़ी केड़ी दास्तान सुनावा पुत्र ते यारा होर भी सन लेकिन इन्हां नाल इन्ना प्यार सी हजरत इब्राहिम अलैह सलाम जेड़ा जंती लबास मिलिया जंती दस्तार मिली जंती जोड़े मिले जंती आसा मिलिया। मेरे दोस्तों ओ वरासत विच हजरत यकूब अलैह सलाम कुल सी आपने अपने पुत्र नू बचपन विच ही आप दा लबास भी पवा दिता दस्तार बना दिती आसा हाथ विच दिता ये सारा कुछ कीता। पुछया गया अल्लाह दे प्यारे नबी तुसी अपनी जिंदगी विच सारा कुछ पुत्र नू दिता है इहदी वजह की है जरा सुन के ईमान नू ताज़ा करना। आप जवाब देंदे आ फरमांदे ने मैं इस वास्ते दिता है मेरा पुत्र भी बड़ा सोहना है लबास भी बड़ा आला है मेरा पुत्र भी बड़ा सोहना है लबास भी बड़ा आला है मैं इस वजह तो पवा रहा वहां ताकि मैं लबास अपने जद्दे अमजद दे जिस्मियत हर न लगा होया पुत्र दे जिस्म ते जेबे तन करके नाले पुत्र दा चेहरा वेखा नाले दादे दे लबास दी ज़ियारत करां नाले पुत्र दा चेहरा वेखा नाले दादे दे लबास दी ज़ियारत करां। मेरे दोस्तों दिन गुजर दे गए वेला गुजरदा गया हजरत यूसुफ अलै सलाम दी जदों उम्र 12 साल होई हजरत यकूब अलै सलाम फरमांदे ने मेरे कमरे विच लेटे होए ने मैं लागे अल्लाह अल्लाह पिया करना अचानक की वेखिया हजरत यूसुफ अलै सलाम उठे ने आप दे चेहरे दा रंग मुतगयर होया वे चेहरे दा रंग तब्दील होया वे जदों वेखिया ते पुछिया बेटा चेहरे दा रंग मुतगयर क्यों वे बेटा वजूद प
पसीने ओ पसीनी क्यों हो आवे। अर्द कीता अब्बा मैं केड़ी गल दसा, मैं सुता वा मैं सुतिया वेख्या की इध कॉल यूसुफ ले अबीया अबति इन्नी रायत वहद अशर कौकब वश्यम्स वल्कमर रायत हुम ली साजिदी। फरमाया महबूब वाकया याद करो, जे पता ना हुंदा ते रब इंज ना फरमांदा। रब फरमांदा इज काला सोनिया जरा पिछे ध्यान करो। सलाम ने अपने वालदे गिरामी नूं अर्ज कीता अब्बा जी मैं एक अजीब ख्वाब वेखिया। फरमाया बेटा केड़ा ख्वाब वेखिया जे। अब्बा जी एक ते मैं वेखिया वे मैनू सूरज एक चंद सितारे यारा यारा सितारे एक सूरज चंद मैनू सजदा पै करदे ने। और तफसीरां विच आउंदा है आपने अर्ज कीता अब्बा हुजूर मैं ख्वाब इंज वेखिया है मैं एक उच्ची पहाड़ी ते खलोता वां, पहाड़ी दे आले दुआले नहरां चल रहियां ने, आले दुआले बागात ने, बागां विच फुल लगे हुए ने, फल लगे हुए ने, जमीनां हरियालियां ने, सब्जा ही सब्जा है हुजूर, इन्ने विच हवावां भी पईयां चलदियां ने, मैं की वेखना वा कि सारी जमीन दियां कुंजियां लिया के किसे ने मेरे हाथ विच दे दित्तियां ने। ते फिर उस तो बाद की होया मैं पहाड़ी दियां यारा तारे एक सूरज एक चन मैनू सजदा पै कर दे ने। सबीर पुत्र नू नहीं दसी, समझ गए के पहाड़ ते चढ़न तो मुराद देवे के तुहानू बेटा बुलंदी मिलेगी, नहरां तो मुराद बेटा तुहानू ऐसा तुहानू नबुवत दा ऐसा चश्मा मिलेगा, लोग तेरे चेहरे नू वेख के सराब हुंदे जाणगे। वेख रहे ने बेटा जिहड़ा बागां विच फल ते फुल ने, बेटा तेरी नबुवत तेरी रिसालत दे मिठे मिठे फल खाणगे। जड़ियां तेरे हथां विच चाबियां ने जमीन दियां, बेटा ऐसा वक्त आवेगा तू मिस्र दा बादशाह बन जाएगा, मिस्र दा बादशाह बन जाएगा। सितारे सूरज चन्न तो मुराद फरमाया तेरे भाई ने, तेरा बाप तेरी माँ है, तेरा बाप तेरी माँ है जिहड़े तेरे सामने सजदा करनगे। लेकिन दसिया नहीं, दसिया इस वास्ते नहीं कि निगाहे नबुवत वेखदी सी कि जिथे खुशी ज्यादा होवे उथे गम ते मसाइब भी आउंदे ने, जिथे खुशी ज्यादा होवे उथे गम ते मुसाइब भी आउंदे ने, परेशानियां भी आउंदियां ने। मेरे दोस्तो हजरत यूसुफ अलैह सलाम ने जदों दसिया ते हजरत यकूब अलैह सलाम ने बेटे दे सिर ते हथ रखिया ते नाल अखां विचों आंसू निकल आए। अर्ज कीता अब्बा जी रोंदे क्यों जे? फरमाया पुत्रा जो मैं वेख रहा वां क्योंकि मैं नस्ले खलीला, नस्ले खलीला और हजरत इब्राहीम अलैह सलाम दे मैं विरसे दा, हजरत इब्राहीम अलैह सलाम दी शरीयत दा वारस हाँ। फरमाया बेटा मैं दसदा इस वास्ते नहीं बेटा राज विच, मैं इन्नी गल दसना वा काला या बुनैया ला तक सुसरो या काला इखवती का फयकी दूलक कई إن الشيطان للإنسان عدو مبين। फरमाया बेटा ये ख्वाब अपने परावां नूं ना दसी, अपने वीरां नूं ना दसी। हुजूर क्यों ना दसा? फरमाया वीर इन शैतान लिल इंसानी अदू मुबीन। फरमाया शैतान इंसान दा खुला दुश्मन है,
इधरों तू दसेगा इधरों शैतान सामने आवेगा। हालांकि नबी ने पुत्रा नू दुश्मन नहीं आख्या। मैं नुक्ते की गल लगन करना। नबी ने पुत्रा नू दुश्मन नहीं आख्या। नबी ने फरमाया इन शैतान लिल इंसान अदुव मुबीन, शैतान इंसान दा बेटा खुला दुश्मन है। इंज क्यों फरमाया? पुत्रा नू दुश्मन क्यों नहीं आख्या? इस वास्ते कि निगाह नबूवत वेखदी सी इन्हां कोलों खता ते होवेगी लेकिन मुआफ़ी भी मिल जाएगी। इन्हां कोलों खता ते हो जाएगी मुआफ़ी भी मिल जाएगी। मेरे दोस्तों फरमाया परहावां नू ना दसी। हुण हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक साल तक इस तरह ही गुजारा किया। कुछ तफसीरां विच आउंदा है कि आप दी खाला बल्कि शमऊन दी वालदा सुन रही सन। उन्हें रात नूं अपने पुत्रां नूं कठियां कर लिया। उन्हें आखिया खिदमत तुसी करदे हो खाबां यूसुफ नूं आउंदियां ने। जरा तवज्जो करना हुण गम दे वेड़े विच जा के गल सुनिया जे अखे तुसी खिदमतां करदे हो खाबां यूसुफ नूं आउंदियां ने। इहदा कुछ करो। जदों सारियां दियां बीवियां ने मशवरे दिते सारियां बह के मशवरा कर लिया कि यूसुफ नूं दूर कर दिओ। जदों यूसुफ दूर होवेगा उस वेले असी अब्बा जी दी बारगाह विच मकबूल होवांगे। कुरान पाक ने ताइए फरमाया है कि नबी दे पुत्रां नू गलत ना आख्या जे। उन्हां दी तमन्ना ए सी असी नबी दी बारगाह विच ज़्यादा पसंद हो जाइए, नबी दी बारगाह विच कबूल हो जाइए। हुण जरा तवज्जो करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भरावां नू जदों ए ख्वाब दसी एक दिन सारे जमा होए तो कहन लगे अब्बा जी तुसी हर वेले यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अपने कोल रखदे हो ते हुजूर जे मेहरबानी फरमाओ ते यूसुफ नू साडे नाल टोरो, यूसुफ नू साडे नाल टोरो अब्बा जी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वल्ले वेखिया। आपने फरमाया पुत्रो मैं तुहाडे नाल नहीं टोरना। आखे अब्बा जी क्यों? फरमाया पुत्रो काला इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबु बिही व अखाफु अन याकुलहु अज़्ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफिलून। फरमाया तुसी और त्याने लग जाओगे ते किधरे मेरे यूसुफ नू भेड़िया ना खा जाए बघियाड़ ना खा जाए। तुहाडी तवज्जो ही ना इधर होवे तुसी गाफल होवो। गाफिलून क्यों फरमाया? इस वास्ते कि मता तुहानू भलेखा होवे जो तुसी करना चाहते हो मैनू ओदा पता है। गाफिलून तां फरमाया जो करना चाहते हो ओदा मैनू पता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम वेखदे सन इन्होंने लैके जाना है मेरे यूसुफ नू मारना है लेकिन ये गाफल ने पता नहीं इन्हू की करना पैना। इन्हां खूह विच सुटना है इन्हां खोटियां दिरमां तों वेचना है। इन्हां पता नहीं एक दिन ऐसा आना है जदों मिस्र दे बादशाह आउणगे इन्हां गल्लां लैण वास्ते जाके हाथ बन के सामने खलोणे। ए गाफल ने इन्हां नूं पता नहीं। मेरे दोस्तों मैं केड़ी केड़ी गल करां। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे मुतल्लक जदों परावां आखिया अब्बा जी इन्हां नूं साडे नाल टोरो। फरमाया बेटा मेरा दिल नहीं करदा। जदों पुत्र जिद करन लग पे ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहन लगे अब्बा जी अर्ज़ कीता हुजूर ए भाई ने ते बार बार असरार करदे ने ते हुजूर फिर नाल टोर दियो। जदों आपने अर्जी पेश कीती ते हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फरमाया बेटा जिवें तुसी चाहते हो मैं उवें ही कर लैना। हुण हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू नाल टोरिया भरावां दे। इधर भरावां दे नाल टुरे आप दी भैण जिहदा नाम हज़रत ज़ैनब है सुतियां ने लेटियां खाब आई
ख्वाब विच की वेख रही ने, एक कला भाई यूसफ आले दुआले भेड़िए ने उठिया चीखा मार दिया, अब्बा जी दी बारगाह विच आ गई। हजरत यकूब अलै सलाम ने पूछया बेटी तेनू की होया है, अर्ज किया अब्बा मैं वेख के आई हाँ यूसफ मेरे भाई नू भेड़िए खा रहे ने। अब्बा जी किथे भेजिया जे, आखे बेटा तेरे परहां नाल टोरिया, आप पिछे टुर गई हाँ, अजे रस्ते विच जा रहे सन, जाके वीर नू कलावे विच ले लिया। हजरत जैनब कहदियां ने वीर ना जावी ना जावी, मैं ए मंजर वेखिया है। हजरत यूसफ अलै सलाम ने भैन दे सिर ते हथ रखिया, फरमाया भैन फिक्र ना कर, मैं चलिया वा शाम नू वापस आवांगा, चलिया वा शाम नू वापस आवांगा। उथों रोंदियां रोंदियां फिर वापस आ गई। हजरत यकूब अलै सलाम ने फरमाया बेटी तेनू की होया है, अर्ज किया अब्बा मैं केड़ी गल दसा केड़ी गल दसा। मौलवी गुलाम रसूल साहब अहसानुल कासस दा तर्जमा पंजाबी विच करदे आ, आप कहिंदे ने आप की कहिंदियां ने, आदर दा हुण खाली खाने घर विच दखल मकाना, महबूबा नू विद्या करें दिया मुश्किल बच दिया जाना, महबूबा नू विद्या करें दिया मुश्किल बच दिया जाना। फरमाया नी थीए रोण दी वजह की है, अर्ज किया अब्बा जी हुण मैं कली रो रही हूं, थोड़ी देर गुजरेगी मेरे नाल तुसी भी रोवोगे। तवज्जो करना, हजरत यकूब अलै सलाम ते बेटी जिथों तक वेंदे रहे, कदी कोई भाई हजरत यूसफ अलै सलाम नू कंधियां ते बिठावे, कदी कोई बिठावे, कदी कोई बिठावे, जिथे नजरां तो ओझल होए, कंधियां तो चाड़ियां विच सुटिया, कंडियां दे उत्ते सुटिया, मेरे दोस्तो कोई इधरों मार दे, कोई इधरों मार दे। हजरत यूसफ अलै सलाम 12 साल दी उम्र है, आप फरमांदे ने ओ मेरे परहाओ मैनू ए तां दसो, अब्बा जी कोलो तुसी लै के आए हो, अब्बा जी कोलो लिया के वादा केड़ा करके आए हो, ते मेरे नाल की पे कर दे हो। आ जरा तवज्जो कर, पढ़ रब दा कुरान। सारे आख्या कतल कर दईए, जे ये ना होणगे ते फिर कौन होवेगा जिहदे नाल प्यार होएगा। नाले रुखसारां ते पै मार देने ते नाले कहंदे ने हुण लियाओ यारां तारे जिहड़े तैनू सजदा करदे ने, हुण लियाओ सूरज लिया चन्न जिहड़ा तैनू सजदा करदे। मेरे दोस्तों मैं केड़ी गल करा, हजरत यूसफ अलै सलाम दे परहां जदों मार देने मार देने मार देने, आखिर यहूदा कहन लगा ओ मेरे भराओ अब्बा जी नाल वादा करके आए हाँ, इन्हू ना मारो किसे खूह विच सुट दईए। पढ़ो रब दा कुरान, मैं कौल कौइलुम मिनहुम ला तक्तुलु यूसुफ वअल्कूहु फी गयाबतिल जुब यल्तकितुहु बादु सय्यारति इन कुंतुम फाइलीन, विच सुट दियो इन्हां नू कतल ना करना। कदी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कदी किसे भाई कोल, कदी किसे भाई कोल, आ जरा दास्तान सुन नबी दी, दास्तान जिंदगी दी सुन, किस्सा सुन कैसे मसाइब अलामात ने। लेकिन अल्लाह दे नबी दी जुबान ते कलमा शुक्रिया है। मेरे दोस्तों सारे भाई रुखसारा ते को मार दे, को किस अंदाज नाल मार दे, जिदे वल्ले भी जान, हत्ता के इथों तक आउंदा एक भाई जिहदा नाम शमऊन है, उन्हें छुरी निकाल ली, पुछया की करूओ, अखे तुहानू कतल करना, तुहानू इस दुनिया तो मिटा देना,
मेरे दोस्तो मैं केड़ी गल दसा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे भराओ ए ता दसो मैं तुहाडे नाल केड़ा जुर्म कीता है, केड़ी खता है, केड़ी मेरी गलती है। जदों आपने उन्हां नाल चंद गल्लां कीतियां ते यहूदा कहन लगा आ जाओ मेरे कोल पना लै लो, मेरे कोल पना लै लो। जदों पना लई सारे आख्या इनू कतल करिए। यहूदा कहन लगा इन्हां नू कतल करना है पहले मैनू कतल कर लो, क्योंकि अब्बा जी दी बारगाह जदों जावांगे फिर केड़ा जवाब देंगे। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करना, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नू खूह विच सुट्टण दा इरादा कीता। ओ खूह उर्दन दे जंगल विच, उर्दन दे जंगल विच एक ऐसा खूह जिदा उत्तों मूँह बिल्कुल बरीक है, उत्तों सौड़ा है विचों चौड़ा है। उस खूह का पानी भी बड़ा कौड़ा सी, लेकिन भरावान ने जिस अंदाज नाल हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नाल जो जंगल विच कीता, आपका लिबास उतारिया गया, कमीज उतारी गई, जिसम बरहाना नंगा है, पूछा गया मेरे भराओ मैं ओ वा जिन्हें पूरी जिंदगी कदी जिसम नंगा नहीं कीता, जिसम नंगा नहीं कीता। मौलाना गुलाम रसूल साहब एदा माना करदियां, एदा तर्जमा पेश करदियां, इस नक्शे नू बयान करदियां फरमांदे ने, कमाल कर दिता मौली गुलाम रसूल ने, अल्लाह अकबर। मौलाना गुलाम रसूल साहब कहिंदे ने रल मिल पाइया यूसुफ उत्तों जामे पकड़ उतारे, रल मिल पाइया यूसुफ उत्तों जामे पकड़ उतारेंगे, बदन मुबारक नंगा होया ते फलक चढ़े लश्कारे। फरमांदे ने जदों परहावां कमीज उतारी बदन मुबारक नंगा होया ते आप दे नूर दे लश्कारे आसमाना तक पहुंच गए, आप दे नूर दे लश्कारे आसमाना तक पहुंच गए। हुन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम भरावां नू कह रहे ने, फरमा रहे ने ओ मेरा कमीज वापस दे दियो। आ मैं केड़ी दास्तान सुनावां, सदर नंगा जा यूसुफ डिठा ते आही पर पर रोया, सदर नंगा या डिठा यूसुफ ते आही भर भर रोया, शर्म जदा ओह मिनता करेदा पकड़ के दामन खलोया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे परहामा कमीज उतारी, रस्सी पाई, खूह विच सुटिया, इधर रस्सी जा रही है, रस्सी कट्टण दा इरादा कर रहे ने, उत्तों आवाज आई जिबरील, जी रब्बे जलील, फरमाया जा मेरे नबी नू पानी ते जान तो पहले या अल्लाह की करा, फरमाया जा के नूरानी पर विछा दे, नूरानी पर विछा दे। परावा रस्सी कट दिती, उधरों जबरीले अमीन टुर पे, नबी पानी ते गए ने थले नूरी पर ने, थले नूरी पर ने, वाहु हैना इलैहि लतुनब्बी अन्नहुम बी अम्रिहिम हादा वहुम ला यशुरून। थले नूरानी पर ने, इधरों रस्सी कटी गई,
हजरत यूसुफ अलैहि सलाम खूह विच ने तफसीरां विच आउंदा उस खूह दा पानी बड़ा कौड़ा सी खारा सी पीन ते दिल नहीं सी करदा। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी बरकत दे नाल उस खूह दा पानी मिठा हो गया, आप दे वजूद दी बरकत दे नाल पानी मिठा हो गया। मौलाना गुलाम रसूल साहब ने फिर बड़ा प्यारा इत्थे नक्शा पेश कीता है। आप फरमाते ने हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम खूह विच गए तो आप दी बरकत दे नाल खूह रोशन भी हो गया ते पानी भी। इधर यूसुफ अलैहि सलाम दा जिसम खूह विच जावे पानी मिठा होवे, तुहाडे ते मेरे आका दा लुआबे दहन जावे ते पानी मिठा हो, जिसम पाक आप दा खूह विच। ते मौलाना गुलाम रसूल साहब कहंदे ने कि उस वेले मंजर की बनिया, आप फरमांदे ने यूसुफ दी खुशबूवों इस दी दूर होई बदबोई, यूसुफ दी खुशबूवों इस दी दूर होई बदबोई, पाक चराग बदन दे नूरों ए जगा रोशन होई। अंधेरा रोशन हो गया। मेरे दोस्तों आइंदा जुमे नूं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर अगे ये वाकया शुरू करांगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं कोशिश करांगा ये तुहानूं मुकम्मल मैं हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की दास्तान सुनावां। अल्लाह करीम अपने महबूब का सदका तुहाडी मेरी हाज़री अपनी बारगाह अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाअल्लाह मेरा नाम लियास है, मेरी दुकान है परचून दी इत्थे जामन पिंड दे विच। माशाअल्लाह जुमा सुनिया हाफ़िज़ साहब दा लामा साहब दा बहुत मज़ा आया सुनदा, माशाअल्लाह ना कड़ाके कड़ सकते हैं, मज़ा आ गया सुनता तकरीर सुनता। मेरा नाम हाफिज़ आबद अली है, मेरा तलक इसी गांव से है। जो आज कारी लामा साहब ने ख़ताब किया बहुत अच्छा ख़ताब किया, सुन के ईमान ताज़ा हो गया है।